गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चलिए बढ़ते हैं अगले लेसन की ओर। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आपने पूर्णिमा की रात देखी है, चांदनी रात? उसका नाम ही चांदनी रात है। और अगर नहीं देखी है तो एक बार कैलेंडर चेक कर लेना, शायद इस बार शनिवार को है। तो चांद, ये जो आपका नेक्स्ट कविता है उसमें ये पूर्णिमा का जो रात होती है उसमें चांद कैसा दिखाई देता है, उसमें धरती, आकाश और सागर तीनों के सौंदर्य का चित्रण किया गया है कि चांदनी रात में सागर कैसे दिखता है। और आपने एक देखा होगा, एक फूल है जिसकी खुशबू जो है वो रात को बहुत अच्छी आती है, जिसका नाम ही रात रानी है। तो इसमें हवा का भी बताया है कि चांदनी रात में जो है वो हवा भी रात रानी की खुशबू जो है वो चारों ओर बिखेर देती है। तो अगर बरसात नहीं होगी तो बच्चों इस बार रात को बाहर जरूर एक बार देखना घूमकर, तो आपको इस पाठ का अधिकांश अर्थ जो है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए निकालिए अपनी टेस्ट बुक। पाठ 5, चंदा चमका। देखिए आपको हेडिंग से ही समझ में आ जाएगा कि चांद जो है वो चमकेगा, और कब चमकेगा? पूर्णिमा की रात को। और ये पूरे इसमें जो है आपकी पूरी कविता में यही बताया गया है कि पूर्णिमा की रात में चांद कैसा दिखाई देता है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बच्चों ध्यान रखना, ये वाली कविता आपको याद भी करनी है और नोटबुक में लिखनी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालें और आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखें। आप सुने मेरा जो मैं भावार्थ उसका बता रही हूँ, आप उसको सुने, लेकिन ये जो आप बुक में आप फिंगर रखते जाएं और जो है वो अपनी बुक में पढ़ें, सिर्फ सुने नहीं बैठकर। गोरा गोरा चंदा चमका, उजली उजली रात है, खिली रात रानी सुगंध की भेज रही सौगात है। अर्थात पूर्णिमा की रात है और चांद जो है वो गोरा गोरा चमक रहा है। पूर्णिमा की रात में चांद गोरा दिखाई देता है, ना सफेद दिखाई देता है। उजली उजली रात है और रात भी चारों ओर जो है वो चांदनी की तरह, ऐसा लगता है जैसे धरती पर चांदनी बिखरी हो, सफेद दिखाई देती है। खिली रात रानी सुगंध की, और जो रात रानी एक फूल का पौधा है उसकी सुगंध भी चारों ओर फैल रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद ने वो उपहार भेजा है। सौगात का अर्थ होता है उपहार। होले होले हवा चली, कुछ कह कह जाती कान में, अभी ना सो चलो घूमने खेतों में खलियान में। अर्थात हवा भी घूम रही है चांदनी रात में और धीरे धीरे हमारे कानों में आकर कह रही है कि अभी सोने का समय नहीं है, सोना सोने का समय नहीं है, आप बाहर खेतों में घूमने चलो। तो हवा जो है वो हमें ये कह रही है कि सो मत, बाहर घूमने चलो। दूध धुली सी बिछी चांदनी, चांदी की बरसात है, उजली उजली रात है। हवा कह रही है कि देखो चारों ओर दूध धुली में चांदी की तरह, ऐसा लग रहा है कि चांदी की धरती पर चांदी की चादर बिछी हो, उसको देखने के लिए चलो, सो मत। तारे टिम टिम नील गगन में, जैसे कोई शहर दूर का, सबसे अलग बड़ा सा तारा लगता टुकड़ा कोहिनूर का। अर्थात जब पूर्णिमा की रात है उस दिन जो तारे आसमान में, नील गगन का अर्थ होता है आसमान, जो टिमटिमा रहे हैं, जगमगा रहे हैं, धीरे धीरे जलने को कहते हैं, बुझते हैं जलते हैं, उसे टिमटिमाना कहा जाता है। तो टिमटिमा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई शहर हो। आपने देखा होगा कभी, जब शहर में हम देखते हैं, दूर से शहर को देखते हैं तो जो बिजली जली होती है वो तारों की तरह दिखती है, सबसे अलग बड़ा सा तारा। और कभी कह रहे हैं कि जो तारा सबसे बड़ा होता है वो ऐसा लगता है कि कोई कोहिनूर का टुकड़ा हो। कोहिनूर हीरे को कहा जाता है जो बहुत चमकता है।
काली काली सपनों में खोई ऊंग रही हर बात है, उजली उजली रात है। कभी कह रहे हैं कि ये जो अंधेरी रात है वो तो ऐसे लग रही है कि सो गई है और खराटे ले रही है, ऊंग रही है, मींस गहरी नींद में सो गई है। धरती की साड़ी सा सागर लहराता झूम के, झिलमिल करती लहरें आती दूर देश से घूम के। तो इसमें कभी कह रहे हैं कि जब चांदनी रात में जब पानी सागर का पानी तटों से टकराता है तो ऐसा लगता है जैसे धरती की साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू देखा होगा जो पीछे छूटा होता है, माँ का आंचल, साड़ी जो साड़ी का पल्लू है वो लहरा रहा हो, ऐसा लग रहा है कि साड़ी का पल्लू पानी, ऐसा लगता है जैसे साड़ी का जो है वो पल्लू लहरा रहा हो, इसलिए आंचल लहरा रहा हो, इसलिए उन्होंने धरती सागर के पानी को साड़ी कहा है। रुक रुक चुप चुप तट से कहती जैसे कोई बात है, उजली उजली रात है। और कहते हैं ऐसे लग रहा है वो साड़ी का पल्लू जैसा लहराता सागर नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि जरूर कोई बात है, आज कोई खास दिन है, इसलिए वो सबको कह रही है कि वो चुपके चुपके कहती है। तट जो है, तट यानी किनारा, समुद्र का किनारा, चुपके से कह रहा है कि आज कोई खास बात है, क्योंकि ये पूर्णिमा, ये जो चांदनी है वो पूर्णिमा के दिन ही सफेद दिखाई देता है। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका जो भावार्थ है वो समझ में आ गया होगा। आपको दूसरा सारांश दिया हुआ, देखिए आप इसको कभी भी किसी भी पाठ के सारांश को अच्छे से पढ़ लिया करो और हो सके तो उसे याद भी कर लिया करो, क्योंकि ये बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी होते हैं। इस कविता में कवि ने चांदनी रात में दिखाई देने वाली धरती सागर व आकाश के सौंदर्य का चित्रण किया है। चांद के निकलते ही रात रानी की सुगंध चारों ओर फैल जाती है। चांदनी का प्रकाश ऐसे लगता है जैसे धरती पर चांद की चमक बिछरी हो। सागर में उठती लहरें जब तट से टकराती हैं तो ऐसा लगता है मानो धरती का आंचल लहरा रहा हो। धरती का आंचल मैंने आपको बताया बच्चों, साड़ी के पल्लू को कहा जाता है, और जब पानी इनसे टकराता है तो ये देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे पल्लू लहरा रहा हो। ये देखिए पठन और शुतले का मतलब होता है कठिन शब्द, तो इनको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ये कविता ही आपको पूरी लिखनी भी है और याद भी करनी है, मीनिंग भी याद कर लेना, क्योंकि ये मीनिंग आपको पर्यायवाची लिखने के वक्त काम आते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो व्यर्थ है, इसलिए आपको इस बार बहुत ही अच्छा है कि आप इसमें ही लिखोगे तो और भी आपकी ग्रामर की साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा है, इस बार आपको ये मौखिक क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं नोटबुक में वो एक ही वाक्य में, क्योंकि आपने देखा अभी जो एग्जाम हुए हैं उसमें ये भी पूछे गए हैं। तो आप क्या करना, ये वाले क्वेश्चन नंबर 1, इस धरती के रचयिता कौन है, इनके आंसर जो है हो सके तो 1 वर्ड में लिखेंगे तो भी चलेगा, 1 सेंटेंस में लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बेहतर होगा आप एक वाक्य में ही लिखें। तो इसके रचयिता हैं, इसके जो राइटर हैं वो देख लेना आप दिए होंगे, मैं बताती हूँ नहीं तो बाद में। ये देखिए डॉक्टर हनुमंत नायडू, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। मैं इसकी जो है वो PDF आपको भेजूंगी, लेकिन कोशिश करें खुद करने की और अंत में PDF देखें और अपने आपके आंसर सही हैं या गलत हैं वो चेक कर लें, लेकिन कोशिश पहले खुद ही करें। बाकी क्वेश्चन तो ये आपको नोटबुक में लिखने हैं, ये टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, यही मार्क करने हैं और इसको छोड़ देना, इसको कुछ नहीं करना है, ये आपको पढ़ने के लिए है और अपनी प्रैक्टिस के लिए है कि आपको कविताएं कैसे समझ में आती हैं, कितनी आती हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगर आपको आता होगा करना होगा तो आप यही इसके आंसर भी लिख सकते हैं, ये खुद के लिए है। उसके बाद मूल्यपरक प्रश्न, इसका मतलब होता है आपको असाइनमेंट वगैरह का, इसको आप छोड़ दें। ये जो है ये ग्रामर, भाषा बोध में मैंने हर बार ही बताती हूँ आपको, इसको ग्रामर को कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेषण और विशेष्य आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार और बता देती हूँ कि
विशेषता जो जो आपको अगर दो शब्द दिए मैंने, उसमें से समझो मैंने आपको दिया गोरा बड़ा सा तारा, ठीक है, बड़ा सा तारा, तो तारा जो है वो संज्ञा हुई, तो आप इसको लिखोगे विशेष्य, तारा हुआ। अभी यहां पे देखिए, यहां पे लिखा आपने बड़ा सा, यहां पे लिखोगे तारा। अब यहां पे आपने लिखा तारा क्या है, तारा जो है वो विशेष्य है अर्थात संज्ञा है, और विशेषण क्या है कि वो बड़ा है। तो जो क्वाल इन शब्दों में ही आपको लिखना है, अगर यहां आपको जगह कम लगती है आप वो चीज को नोटबुक में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यहीं भरना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पेस कम है तो आप इसको नोटबुक में लिख लें। जो भी क्वालिटी होगी उसको आप विशेषता बताएं, और जो भी जिसके बारे में क्वालिटी दी गई है वो विशेष्य यानी कि वो संज्ञा है। उसके बाद ये तो नहीं करना है, ये नीचे है गंध शब्द के से सुगंध, दुर्गंध, सुगंधित आदि शब्द बनते हैं। इस प्रकार के नीचे लिखे शब्दों के तीन तीन शब्द बनाइए, या यहाँ भी पर भी आपको बताया है यहाँ पे गंध सुगंध दुर्गंध, तो वैसे ही चांद मात, उसके बाद नांद, ऐसे आपको बनाने हैं। तो ये मैंने पीडीएफ में भी आंसर दिए हैं, पहले आप खुद बनाएं, जितना हो सके आप बनाएं, नहीं आएगा तो आपको मैं भेज रही हूँ आंसर, आप उसमें से देख लें। पर्यायवाची आप जानते ही हैं, चांद चांद राकेश चंद्रमा, ऐसे लिख सकते हो आप। पर्यायवाची का इसका भी पीडीएफ है, इसके अलावा भी आपको दूसरा कोई शब्द आता है वो भी करेक्ट होता है, जरूरी नहीं है कि जो पीडीएफ में दिया है वही शब्द लिख रहे हैं। अभी चांद दिया है तो चंद्र राकेश आपने लिख दिया तो वो भी करेक्ट होता है। तो ये आपको पीडीएफ में आप देख लें, खुद भी करने की कोशिश करें। उसके बाद प्रस्तुत कविता में आए इन शब्दों के अर्थ अंतर जानकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए एक होता है झूम के और एक होता है झुमके। झुमके का मतलब होता है खुशी से, जब हम नाचते हैं गाते हैं तो हम खुश होते हैं तो बोलते हैं झुमके, और जब हम जो हम कानों में पहनते हैं उसे कहा जाता है झुमके। तो इसके आंसर मैंने भेजे हैं, आप इनको लर्न भी कर लेना और लिख लेना, दोनों में फर्क है। ये आपने भिनार्थक देखा होगा, भिनार्थक शब्द कहा जाता है, बोलने में एक है बात बात, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, इसीलिए इन्हें भिनार्थक शब्द कहा जाता है। जब हम बोलते हैं तो आवाज एक जैसी आती है, काली गली ऐसे लहर लहरा, लेकिन अर्थ दोनों के बहुत बहुत ज्यादा भिन्नता होती है अर्थों में। उसके बाद है ये पूर्णिमा के 15 दिन के बाद चांद की स्थिति, इस धरती का क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये सब आप छोड़ देना, आप स्कूल में आएंगे तो मैं ये सब करवाऊंगी आपसे। बच्चों इस पार्ट में मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है आप मार्क करके रखें, और जैसे ही हमारे 2 लेसन हो जाएंगे उसके बाद मैं एक आपकी जूम क्लास लूंगी, तो किसी को भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप उस जूम क्लास में क्लियर कर लेना, ठीक है। और जब अगर आपने एक बार ये कविता जो है वो याद कर ली और इसका अर्थ समझ लिया तो आपको कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका अर्थ नहीं आएगा एग्जाम में, कोई भी, अभी एग्जाम में जरूरी नहीं है यही पूछेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको सिर्फ इतना देखना है, हवा क्या करती है, धरती में क्या होता है, सागर में क्या होता है, और आकाश कैसे दिखाई देता है। जब आपको वो समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन आने दो, आपको आराम से उसका आंसर आप लिख सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करें, आप पढ़ते हैं और लिखते कम हैं, इसलिए आपकी राइटिंग भी स्लो होती है और आपका जो है लिखने में स्पेलिंग मीन जो अर्थ है शब्द अर्थ यानी अर्थात उनका जो लिखने का स्पेलिंग जो होती है वो भी आपकी गलत हो जाती है, मात्राओं की गलतियां होती हैं। और दूसरी बात है ज्ञान सागर की कविताएं पढ़ते रहिए, अभी 18 है तो हम आपको 8 नंबर तक जो है वो ज्ञान सागर की कहानियां भी आएंगी, तो जैसे जैसे आपको समय मिलता है कहानी पढ़ते रहें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, घर में सुरक्षित रहें, बाय।